आप लोग इसको देखना चाह रहे हैं सी थ्रू, तो आप ऑल्ट एक्स भी कर सकते हो। अगर आप ऑल्ट एक्स कर लो तब भी आप इसका सी थ्रू देख सकते हो। अगर आप इसको बैक फेस कर्ल के हिसाब से करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में आएँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CGS। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी सीरीज़ के साथ चल रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ चल रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, हम लोग किस तरीके से मॉडलिंग कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोगों ने अपने और सारे काम सर अंजाम दिए हैं, गेमिंग इंडस्ट्री के हिसाब से या आर्किटेक्चर वर्ल्ड के लिहाज से या कोई भी ऐसी 3D मॉडलिंग की जो प्रॉब्लम आपके साथ आई है, उसको आप अपने कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट करें कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम आपको जवाब देंगे। और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे कि एक साईफाई रूम इन्वायरमेंट हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। पिछली सीरीज़ के अंदर भी हम लोगों ने एक लो पॉली कैफ़े शॉप बनाई थी, उसके बाद हम लोगों ने एक ट्रश कैन बनाया था और साथ में हम लोग अब छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम्स थी वो शेयर कर रहे थे। और अब इस दफ़ा हम लोग इंशाल्लाह ताला इस सीरीज़ के अंदर हम ये देखेंगे कि एक ट्रश कैन को किस तरीके वो आई एम सॉरी कि हम लोग एक साईफाई एनवायरनमेंट हम किस तरीके से बनाते हैं और उसके रूम में को हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ अब चल रही है इंशाल्लाह ताला जो चलेगी, ये वाली सीरीज़ ये ज़रा थोड़ी लंबी चलेगी, और इसके लंबी चलने की वजह ये होगी कि ये अब प्रॉपर आप ये समझ लें कि हम लोग अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए जो थे वो तो खैर ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी मैं साथ लेके चलूँगा, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमारे साथ चल रहे हैं वो बोर ना होइए ना होइएगा कि हम लोग इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को भी लेके चलेंगे साथ साथ। कुछ एडवांस चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी इस लेक्चर्स के अंदर, और कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो कि आप लोगों ने कई सारी चीज़ें सीखी होंगी। हम लोग एडिटेबल पॉली पे ही काम करेंगे, लेकिन अब की बार हम लोग जो ये काम करेंगे अपने पिछले लेक्चर्स की तरह इस पाइपलाइन को हम सेट करेंगे वो इस तरीके से कि सबसे पहला जो हमारे पास फेस होगा, फेस वन जो होगा वो होगा फेस वन मॉडलिंग का। अब मॉडलिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन से फेस होंगे उसके पास मैं दोबारा लेके चलता हूँ आपको। फर्स्ट फेस हमारे पास मॉडलिंग का होगा, सेकेंड फेस जो हमारे पास होगा वो होगा 3D पेंटिंग का, हम लोग सब्सटेंस पेंटर को यूज़ करेंगे। एंड थर्ड जो हमारे पास सेक्शन होगा वो हमारे पास होगा द Unity 3D, और Unity 3D में अब की बार हम लोग अपने जो मॉडल है उसको इंपोर्ट भी करवाएंगे, और उसके अंदर जितने भी हमारे पास PBI टेक्सचर्स हैं उसको भी इंपोर्ट करवाएंगे। माइट बी पॉसिबल मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये मॉडल अनरियल इंजन के अंदर भी इंपोर्ट करवा के दूँ, एंड उसके अंदर एक बेहतरीन हम एनिमेशन भी बनाएंगे, और साथ में आपको पता लगेगा कि आपका एक स्क्रैच से एक जो मॉडल है फॉर गेम रेडी ऑब्जेक्ट इन लो पॉली वो आप किस तरीके से अपने एक कंप्लीट पाइपलाइन को अप्रोच करते हुए अपने गेम इंजन के अंदर लेके आते हैं। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया करते हुए आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा इस लेक्चर को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो बेल आइकॉन पे लाजमी आप क्लिक करें ताकि हमारे अगले आने वाले लेक्चर से आप लोग बाखबर हों और आप लोगों को पता लगता रहे। तो ये हमारे पास 3ds Max 2020 का एनवायरनमेंट है, और इसमें हम लोग अब की बार जिस पाइपलाइन को हम लोग लेके चल रहे हैं वो उसका तरीकाकार ये होगा कि मैं कस्टमाइज़ में जा रहा हूँ, कस्टमाइज़ में जाने के बाद मैं यूनिट सेटअप में आ रहा हूँ, एंड देन अब की बार मैं इसमें यूज़ करूँगा सेंटीमीटर। जी, सेंटीमीटर के यूनिट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये जो गेम इंजन्स के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी जो यूनिट हमारे पास चलता है वो 1 मीटर यहाँ पर होता है और वहाँ पर आपके पास 1 मीटर होता है, 1 मीटर बेस पे आपके दोनों एनवायरनमेंट चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में बनाना था, क्योंकि अगर आपने कोई छोटी चीज़ मॉडल करनी है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप जब मीटर पे किसी चीज़ को मॉडल करते हैं तो अगर आप चैम्फर कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं किसी
कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स छोटे वर्टेक्स के ऊपर आप जब काम कर रहे होते हो, जब आपने उसको चैम्फर करना है या फिलेट करना है या वट एवर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो वो मीटर के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए हम लोग सेंटीमीटर के ही यूनिट को हम यूज़ करते हैं। अब फ़िलहाल मैं इसको ओके कर रहा हूँ और इसके बाद ज़ाहिर है मैं अपनी इसी वर्क स्क्रीन पर ही काम करूँगा। तो इस वर्क स्क्रीन पर काम करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ पे ऑल्ट एंड डब्ल्यू में प्रेस कर रहा हूँ। ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं अब अपने वर्क एरिया के ऊपर काम स्टार्ट कर दूँगा। फर्स्ट मैं यहाँ पे प्लेन एक ड्रॉ कर रहा हूँ। प्लेन ड्रॉ करने के बाद मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं अपने सेगमेंट्स को देख सकूँ। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर इसके जो सेगमेंट्स है 1x1 एंड W प्रेस किया, या फिर आप यहाँ से भी मूव टूल को ले सकते हैं, सिलेक्ट एंड मूव टूल, और आपका जो रोटेट टूल है उसकी शॉर्टकट की E है, और जो आपका यूनिफॉर्म स्केल जिसको आप रिसाइज टूल भी कहते हैं उसकी शॉर्टकट की आपके पास R होगी। WER हैंडी शॉर्टकट्स हैं, आप ये याद रखिएगा। तो हो सकता है मैं आगे आपको ना बताऊं, लेकिन आप इन आइकॉन्स को देखते हुए आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये मैंने W प्रेस किया है, मूव टूल है, ये मैंने आपका रोटेट टूल सेलेक्ट किया, और ये मेरे पास आपका रीसाइज टूल है। इसलिए इन चीज़ों को आप याद कर लें, इन आइकॉन्स को आप ज़हन-नशीन कर लें। फर्स्ट मैं इसको बिल्कुल यहाँ पर सेंट्रलाइज कर रहा हूँ, और अब मैं अपना जो इसका साइज़ है वो मैं कर रहा हूँ 920 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 900 सेंटीमीटर एंड 625 सेंटीमीटर, ये मेरे पास स्केल है। अच्छा, मेक श्योर कि आपका जो प्लेन है वो बिल्कुल ओरिजिन के सेंटर में हो, ठीक है। एंड थर्ड, इसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसको कन्वर्ट टू एडिट पॉली अप्लाई कर रहा हूँ, और चलें ये लेक्चर भी साथ ही आ गया। और ये जो इसके ऊपर आने वाले जितने भी टूल होंगे इसके, वो जो मैं शॉर्टकट अप्लाई करूँगा वो मैं यहाँ से ही एक दफ़ा, क्योंकि इत्तेफाक से मेरी विंडो आज ही इंस्टॉल हुई है, तो सारे मैंने जितने भी अपने सॉफ्टवेयर थे तो हो जाते। कॉम्प्लिकेशन शो बटन्स एंड कॉम्प्लिकेशन आई डोंट 16 एडिट सप्लाई बेवल एंड माइट बी पॉसिबल बेंट शेल आनी शेल एंड टर्बो स्मूथ सेमेट्री FFT आई थिंक यूवी मैप स्टार्ट कर देता हूँ मैं, यूवी मैप यूवी एंड रैप क्लियर यूवी यूवी मैप क्लियर FFT मॉडिफायर Optimize, Pro Optimize, Mirror, नहीं, I think Mirror नहीं मुझे चाहिए यहाँ पर, मुझे Lithic अक्सर चाहिए होती है। एंड देन यस, मेरा एक सेट यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। इसके बाद शो रिजल्ट ऑन टॉगल, कस्टमाइज हॉटकी एडिटर, शो एंड रिजल्ट,
नाउ अब इसको हम लोगों ने एडिट पॉली कर ली है। और इसके बाद हम लोग सबसे पहले अपना स्केल सेट करने के लिए, प्रोपोर्शन सेट करने के लिए हम लोग अपने पास एक ह्यूमन को इंपोर्ट करवाएंगे। तो आपका जो ह्यूमन जो आप इंपोर्ट करवाएंगे वो चाहे जिस मर्ज़ी स्केल पे हो, आप को मैं एक हिंट दूंगा जिसमें आप लोग उसको एक्सक्यूज़ मी उसी स्केल के अंदर आप इंपोर्ट करवाएं। तो फर्स्ट मैं फाइल में जा रहा हूँ एंड इंपोर्ट, इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, डेस्कटॉप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड ये मेरे पास ह्यूमन है, ह्यूमन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मेरे पास एक डमी ऑब्जेक्ट है जो कि आई थिंक FBX फॉर्मेट है। FBX में मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद जियोमेट्री, एनिमेशन नहीं है इसमें, कैमरा नहीं चाहिए मुझे किसी किस्म का, लाइट नहीं चाहिए मुझे किसी किस्म की, मुझे ऑडियो नहीं चाहिए इसमें से। एडवांस ऑप्शन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने ऑटोमेटिक को ख़त्म कर देना है और यहाँ पर आपने इंचेस पे क्लिक करना है और उसको आपने कर देना ओके। जैसे आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपके पास ह्यूमन इंपोर्ट हो जाएगा विद टेक्सचर्स, टेक्सचर्स फाइल भी मैंने प्रोजेक्ट में रखी हुई है। अगर आपको ये ह्यूमन करेक्टर चाहिए तो ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन फाइल में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, एक डाउनलोड लिंक है ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेक श्योर ये आपके पास जो ह्यूमन है ये 196 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल ठीक आया है। और इसके बाद अब हम लोग अपने इस कंटेनर के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ इसके बॉर्डर पे और शिफ्ट प्रेस करने के बाद इसको मैंने अप एरिया की तरफ ड्रैग किया। अपर एरिया में ड्रैग करने के बाद इसका जो आपको यहाँ पे हाइट नज़र आ रही है इसको मैं ऑलमोस्ट 300 कर रहा हूँ, 300 सेंटीमीटर इनफ हाइट है ये ठीक है, ठीक है, एक ठीक ठाक हाइट है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो इसको आप 250 भी कर सकते हैं, ठीक है, 250 भी ठीक है, बुरी नहीं लग रही, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 300 हाइट बिल्कुल ठीक हाइट है। इसके बाद अब हम लोगों ने इसके जो कॉर्नर्स हैं इसके ऊपर काम करने, कॉर्नर पे काम करने के लिए मैं सबसे पहले अपने मॉडिफाई बार में जा रहा हूँ और इसके बाद मैंने इसके एच पे क्लिक किया, आल्ट आर रिंग की शॉर्टकट की और ये रिंग है आपके पास। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको किया है चैम्फर, चैम्फर करने के बाद मैं इसकी जो वैल्यू रख रहा हूँ वो 45 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट द बेस्ट है। और जो चैम्फर की कैटेगरी है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो स्टूडेंट्स जो 2020 यूज़ कर रहे हैं और 2020 की 2.2 की अपडेट है उसके साथ ये आपको अवेलेबल होगी, अदरवाइज आपको ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, ये मैं आपको पहले बता दूँ। मैं 2020 की अपडेट, दूसरी अपडेट के साथ इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर किसी के पास अपडेट नहीं है वो कमेंट सेक्शन पे कर सकता है, मैं उसको अपडेट सेंड कर दूँगा। एंड देन मेरे पास ऑलमोस्ट ये हिस्सा रेडी हो गया। अब मैं इसके जितने भी स्मूथिंग ग्रुप हैं वो ख़त्म कर रहा हूँ, क्लियर। एंड अब हम लोग अपने इस कंटेनर के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग रखेंगे क्वाड में। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्लिक किया, सबसे पहले मैं इसका एक कलर चेंज कर दूं। यस, मच बेटर, कम से कम नज़र तो आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट ई कनेक्ट की शॉर्टकट की है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक है यहाँ पर कनेक्ट, ये भी आप इस तरह भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई से आप ई फॉर एलिफेंट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई से कनेक्ट की शॉर्टकट की है, ये आपके पास कनेक्ट हो जाएगा, ये ले लेना, ठीक हो गया। अब ये आपके पास ऑलमोस्ट हर चीज़ क्वाड में, ये भी क्वाड में, ये भी क्वाड में, ये भी क्वाड में, वो भी क्वाड में, सब कुछ क्वाड में है, ओके। एंड नाउ अब हम लोग इसको गेट के ऊपर काम करेंगे। गेट पे काम करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑल्ट आर प्रेस कर रहे हैं, इसके बाद कनेक्ट पे गए,
कनेक्ट में करने के बाद दो सेगमेंट्स दिए मैंने, और इसके बाद यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 25 सेंटीमीटर। ओके, मेरे लिए बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है ये। एंड दोबारा मैं यहाँ पे आर्ट आर प्रेस कर रहा हूँ, रिंग की शॉर्टकट की है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको करना है ऑलमोस्ट 60 सेंटीमीटर। एंड ओके, और एक हेल्पिंग लूप मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे गेट चाहिए इसका। एंड ये अब हम इसके साइफाई गेट के ऊपर काम करेंगे। फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ एंड रीसाइज, मैंने आपको बताया भी था कि मैं अब इस तरह रीसाइज के ऊपर काम करूँगा। ओके, नाउ मैंने इसके गेट को पे क्लिक किया। गेट पे क्लिक करने के बाद इसको मैं कर रहा हूँ इंसर्ट। इंसर्ट ऑलमोस्ट मैं करूँगा 25 सेंटीमीटर, और इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। एंड देन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है ये। और शिफ्ट अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो पूरा लूप सिलेक्ट होगा, और हम लोग इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं। एक्सट्रूड करने के बाद हम लोग इसको ऑलमोस्ट इतना एक्सट्रूड कर देते हैं कि ये इसको सूट करे। अब यहाँ पर हमने बनाना है एक कंप्यूटर पैनल, ठीक है। अभी हम एक रफ सा लेआउट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और कंप्यूटर पैनल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक कर रहे हैं, आर्ट आर प्रेस कर रहे हैं। आर्ट आर प्रेस करने के बाद कनेक्ट, कनेक्ट के बाद आई डोंट नीड टू 60 एंड नाउ आई वॉन्ट टू 30 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। ठीक है ये, और इसका पिंच लेवल हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, इसका ऑफसेट। और इन पैनल्स को मैं क्लिक कर रहा हूँ, और इसको मैं कर रहा हूँ बेवल। ओके, क्योंकि ये गेट अलग है लिहाजा मैं इस गेट को ग्रो कर रहा हूँ, और मैं इसको कर रहा हूँ डिटैच, और मैं कर रहा हूँ गेट _1। ओके ठीक है, अब ये आपका जो एक गेट है ये अलग हो गया, और इसके बाद ये पैनल है ये भी अलग है एक, इसको भी मैं अलग कर रहा हूँ। ग्रो, मेक श्योर कि यही सिलेक्ट हुआ है। ओके, यही सिलेक्ट हुआ है एंड डिटैच। ओके, अब हम बात करेंगे टेबल के ऊपर, तो लिहाजा इन भाई साहब को हम कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा यहाँ आ जाए, हमने अपनी टेबल बनानी है। और टेबल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद इसको हम सेंट्रलाइज कर देंगे। ये मैं एरो के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो इसलिए ये ज़ीरो पोजिशन पर आ जाता है। ये चीज़ आप ज़रा थोड़ा जहन में रख लें। मैं 250 सेंटीमीटर इसको यहाँ से कर रहा हूँ, और 150 सेंटीमीटर मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ, और जो इसकी हाइट है ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर तक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ। फ्रंट व्यू में जाने के बाद मैंने क्या किया, इसको ऊपर क्लिक किया, और इसका मैंने एक हाइट निकाल दी स्टेबल के लिए कॉर। और अब मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 215 सेंटीमीटर। इसको मैं कर रहा हूँ राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिट पॉली, और मुझे नीचे का पॉलीगॉन नहीं चाहिए। इसके बाद मैं दिखा दूँ, मैंने इसके नीचे का पॉलीगॉन डिलीट कर दिया, ठीक है।
ऑल्ट क्यू से मैंने इसको आइसोलेट मोड में लेके आया हूँ। एंड अब मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट करने के बाद यस 16 सेंटीमीटर, थिंक 10 सेंटीमीटर, ओके 10 इज द बेस्ट। एंड एक्सट्रूड, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे अपने फ्रंट यहाँ तक, एंड क्योंकि ये इसको हमने अब देनी है साईफाई लुक, तो लिहाजा जब हम इसके ऊपर एक और बॉक्स लेके आएंगे तो वो जाहिर है ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिट पॉली, एंड ये मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया एंड आल्ट आर रिंग मैंने कर दिया, और इसको मैं कर रहा हूँ चैम्फर। चैम्फर करने के बाद वही इस जो मुझे ट्राइस में चाहिए, और ट्राइस में लाने के बाद इसका 25 सेंटीमीटर में मैं इसको चैम्फर आउट कर रहा हूँ। आई थिंक ये थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको रीसाइज टूल सेंटर से नहीं कर रहा, मैं इसको वाई और एक्स से होल्ड करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ से, ताकि ये अपने ओरिजिन से ना हिले। एंड होल्ड अप फ्रंट एंड सेम और ये आपने एक बिल्कुल बेसिक लेवल का रूम डिजाइन कर लिया। तो हम लोग सबसे पहले अपने इस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे पास रूम है, साईफाई रूम, सेव। तो उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह ताला इसको यहाँ तक बनाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये आएगा कि आप लोग इसको देखना चाह रहे हैं सी थ्रू, तो आप ऑल्ट एक्स भी कर सकते हो। अगर आप ऑल्ट एक्स कर लो तब भी आप इसका सी थ्रू देख सकते हो। अगर आप इसको बैक फेस कर्ल के हिसाब से करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में आएं, बैक फेस कर्ल के ऊपर क्लिक करें, तो आप वन साइड सिमेट्रिकल मूड में इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको एडिटिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको एक दफ़ा बनाएं इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करें, और हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।